आप भी रेलवे के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रेलवे ने छोटे कारोबारियों के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को काफी आसान कर दिया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके रेलवे का वेंडर बन सकते हैं। रेलवे का वेंडर बनने के लिए आपको RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्लाई करना पड़ता है। RDSO ने छोटे कारोबारियों के वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो गया है। RDSO ने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। आप इसका फायदा उठाकर रेलवे का रजिस्टर्ड वेंडर बनकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप रेलवे के साथ क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं और रेलवे का वेंडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। आप रेलवे के लिए मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जॉब वर्क या सप्लायर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप रेलवे को नट बोल्ट, फिश प्लेट, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फैब्रिकेटेड आइटम्स सप्लाई कर सकते हैं। आप सिविल जैसे ट्रैक डिजाइन, ब्रिज एंड स्ट्रक्चर आइटम्स भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे को कई सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिनके बारे में समय समय पर रेलवे की ओर से टेंडर भी जारी किए जाते हैं। छोटा कारोबारी होने के कारण रेलवे आपको प्रमुखता देता है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी PSU को अपनी कुल खरीदारी का 20% हिस्सा छोटे कारोबारियों से करना अनिवार्य किया गया है। अगर आप रेलवे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जिला उद्योग केंद्र से कराना होगा। इसके बाद आप RDSO में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि इससे पहले आपको तय करना होगा कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब आप कौन से आइटम सप्लाई करना चाहते हैं और वे किस डायरेक्टरेट के अधीन है। आप भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वेंडर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप रेलवे के किसी टेंडर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यह भी काफी आसान है। रेलवे के टेंडर्स के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।